हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी को खोलने ऑफलाइन स्टार्ट होने के लिए कोई नोटिस है, कोई न्यूज़ है कि नहीं। काफ़ी सारे चैनल्स जो हैं आपको बताया होगा कि फलाना डेट से खुल रहा है, ये हो ऐसा दिस दैट, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, अभी तक कुछ है कि नहीं, कोई अपडेट है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। ऑनलाइन होगी आपकी जो पढ़ाई है, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये सब जो है इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो गाइज, मैं आपको क्लियरली एक बात बता दे रहा हूँ कि अभी जो है यूनिवर्सिटी खोलने को लेके, यानी ऑफलाइन सारी चीज़ें स्टार्ट होने को, यानी ऑफिशियल ऑफलाइन स्टार्ट होना यूनिवर्सिटी का, ऐसा कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। जो भी आपको बता रहा है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद यहाँ पढ़ रहा हूँ, है ना, आज 3 साल से मैं यहीं पर हूँ, 3-4 साल से, तो मुझे अभी तक जो है, मतलब पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी यहीं पे हूँ, मुझे अब तक कोई अपडेट ऐसा नहीं मिला है जो कि जिसमें पता चले कि यूनिवर्सिटी खुल रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। जब अगर खुलने का ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, बच्चों को जो है हॉस्टल बुलाया गया है, तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से आप ये चीज़ सर्च नहीं करेंगे, है ना, इस पर टाइम अपना खर्च नहीं करेंगे, ये खुद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अब आप भी यहाँ के स्टूडेंट हो चुके हैं, इनरोल आपका एडमिशन होते ही आप यहाँ पर इनरोल हो जाएंगे, है ना, तो सारे अपडेट्स जो हैं आप तक भी पहुँच जाएगा, क्योंकि ग्रुप्स वगैरह में आप भी ऐड हो जाएंगे, है ना। ओके, कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है। और ये अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं जो स्टूडेंट्स वगैरह से बात करता हूँ, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों से पता चला है अभी तक कि अभी ये जनवरी फरवरी तक कुछ जो है कहा नहीं जा सकता है कि कब खुलेगी यूनिवर्सिटी, ठीक है, फरवरी मार्च तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और अभी तो सिचुएशन और ख़राब हो रहा है, आपको पता है ना कि जो ओमाइक्रोन जो न्यू वेरिएंट है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में, है ना। ये अलग बात है कि इफेक्टिव कम है ये, मतलब लोगों को इफेक्ट कम कर रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम है थोड़ा सा, कंपेरेटिवली जो पहले वाला जो सार्स वो था, पहले वाला वेरियंट जो था उससे जो है कम इफेक्टिव है ये, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कम है थोड़ा सा। खैर जो भी है, बीमारी तो है ही ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों से शुरू से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज बोलना नहीं, लैंग्वेज को समझना और पढ़ना, सीखना, लिखना, ये सब सीखिए आप लोग। टाइम थोड़ा सा कम से कम दीजिए, 1-2 घंटा, इन सब चीज़ों से मैं टाइम ख़त्म करने से अच्छा है कि 1-2 घंटा अपने पे लगाइए, थोड़ा सा कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ ले। इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था इंग्लिश को लेके बताया था, है ना, क्या परेशानियाँ होती है कैसे, तो न्यूज़पेपर वगैरह नया नहीं मिलता है, नया आप नहीं खरीद सकते, तो कैसे पुराना ही न्यूज़पेपर जो है 1-2 KG खरीद के लेके आ गए, घर पर रख दिया, हर दिन पलट रहे, वो सारी चीज़ें नहीं हो रहा। NCERT बुक्स खरीद के लेके आ गए, है ना, NCERT बुक्स लेके आएंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है, 1 महीना आप NCERT को पढ़ लेंगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, है ना, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, कोई वोकैबुलरी समझने वगैरह इस सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ओके, यूनिवर्सिटी अब जो है ओपनिंग का जो है न्यूज़ को लेके वीडियो बनाए थे, तो ऐसा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, आप पे है तो आप शेयर कर सकते हैं लोगों तक, अगर ऑफिशियल आपके पास कोई अपडेट है तो, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं उस पर उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो वाला पोर्शन को। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।